पिछले 80 सालों से वरुणा पंप्स आप तक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पहुंचाने का प्रेशर लेते आए हैं। जोश से पानी पहुंचाने का और उनके दिलों को जीतने का प्रेशर हम लेते हैं। वरुणा पंप्स, हर बूंद में जोश। अधिकृत विक्रेता किसान पंप हाउस, मदरसा रोड, आनंद मार्ग, स्कूल के बगल में, गढ़वा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। शनिवार को जीपी प्लाजा की मालकिन तथा उनकी बेटी के साथ दुकान का रेंट मांगने पर जेएमएम गढ़वा विधायक प्रतिनिधि मासूम खान द्वारा मारपीट की गई थी। घटना के विरोध में सदर थाना पहुंच आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया था। एक महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट की घटना को लेकर के बीजेपी के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि गढ़वा रंका विधानसभा में गुंडाराज बढ़ता जा रहा है। एक विधायक प्रतिनिधि के द्वारा एक महिला को मारा जा रहा है, जो कितना सही है यह भी समझ सकते हैं। ये मामला हम यहीं तक नहीं रहने देंगे, यह मामला केंद्र सरकार, गृह मंत्री तक लिखकर पहुंचाएंगे। झारखंड राज्यपाल महोदय को भी लिखकर शिकायत करेंगे। यह मामला काफी शर्मसार है। भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह का व्यवहार कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। काफी निंदनीय है और यह कल की घटना ही नहीं, हमें लगता है कि पूरे गढ़वा शहर के व्यवसायी आज दहशत के साए में जीने को व्यवस्था मजबूर। पिछले दिनों बस स्टैंड की घटना में दिन दहाड़े एक व्यवसायी की गोली से हत्या कर दी जाती है। अपराधी बेखौफ है। लगातार कई व्यवसायी को टारगेट करके दहशत फैलाया जा रहा है। आज रंका के सुरेश पांडे ही व्यवसायी को अगर लीजिए, उन्हें प्रशासन के नाक के नीचे, एसपी के नाक के नीचे पटक पटक के लात से मारा गया और उनको भी कंपेल किया गया, बाध्य किया गया कंप्रोमाइज करने के लिए। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन की सरकार में व्यवसायी हो या कोई भी शरीफ व्यक्ति, आज अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। सुरेश पांडे जी को पीटा जाता है और उनके विरुद्ध एक नकली एट्रोसिटी एक्ट कराया जाता है ताकि बेचारे मजबूर होकर के कंप्रोमाइज करें। कल की ये घटना शहर के सुप्रसिद्ध व्यवसायी जीपी प्लाजा के प्रोप्राइटर केफरी जी के पत्नी को, उनके बेटे को पीटा गया और हाई वोल्टेज ड्रामा चला पूरा थाना में। 2 बजे रात को बाध्य किया गया उन्हें कंप्रोमाइज करने के लिए, और इसमें कोई छोटा मोटा प्लान नहीं हुआ। इसमें यहाँ के जनप्रतिनिधि दुर्भाग्यवश मंत्री भी बने हैं, उन्होंने भी इसमें काफी अहम भूमिका निभाने का काम किया है, बाध्य करने का काम किया है कि भाई आप कंप्रोमाइज करिए, अन्यथा आप महिला हैं, आपको भी जेल जाना पड़ेगा। बेचारी मजबूर होकर के कंप्रोमाइज करने का कल काम किया। आज आपके माध्यम से प्रमुख रूप से पूरे गढ़वा रंका विधानसभा में पूरा अराजक स्थिति है। सभी क्षेत्र में आज लगातार यहाँ बेतहाशा बालू का कालाबाजारी बदस्तूर जारी है। भारतीय जनता पार्टी सहित कई समाज सेवी लोगों ने इसे रोकने का काफी प्रयास किया, पर प्रशासन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। चूंकि कालाबाजारी दूसरे प्रदेश में जा रहा है, उससे अवैध प्रत्येक करोड़ों रुपया का उगाही हो रहा है। आज प्रशासन को कंप्लेन करिए, प्रशासन से मिलिए, प्रशासन के कान पर जू नहीं चलेगा, क्योंकि 100% उनकी मिली भगत है। आज बाध्य होकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग त्राही मान संदेश भेज रहे हैं, और हमें पूरा उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की आज केंद्र में सरकार है, गृह मंत्रालय हस्तक्षेप करेगा और यहाँ के व्यवसायी जो भय के माहौल में जीने को बेबस हैं, उन्हें इस भय के माहौल से निकलने में सहयोग करेगा। बाकी सीबीआई को हम लोग पत्र इसलिए लिख रहे हैं, आज लाखों ट्रक यहाँ से अवैध बालू चला गया। जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक पदाधिकारी और माफिया के मदद से यह संभव हो पाया है। आज शहर में चले जाइए, भू माफिया हावी है। आपका अपना जमीन आप बेच नहीं पाइएगा, आपको अपना जमीन बेचने के लिए भू माफिया को कमीशन देना पड़ेगा। खरीदार हो या विक्रेता हो, दोनों को आज मोटा रकम कमीशन के रूप में उन दादा गुंडा भैया जी के राज में आपको देना पड़ता है। इससे निजात दिलाने के लिए त्राही माम संदेश हम आज यहाँ से भेज रहे हैं।
बताते चलें कि जीपी प्लाजा गढ़वा की मालकिन अंजना नारायण तथा उनके पुत्र निखिल नारायण के साथ दुकान का किराया मांगने पर किरायेदार विधायक प्रतिनिधि मासूम खान ने मारपीट कर दी थी। शनिवार शाम घटित घटना के विरोध में भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने सदर थाना परिसर में जमकर हंगामा किया। हंगामा को देखते हुए गढ़वा पुलिस ने मामूली बल प्रयोग किया। स्थिति बिगड़ते देख थाना पहुंचे पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने मामले को शांत कराया। एम लेट नाइट 1 बजे दोनों पक्षों के बीच समझौते के बाद हुआ पटाक्षेप। गढ़वा के एसटीपीओ के नेतृत्व में दोनों पक्षों से जुड़े समाज के सम्मानित लोगों की पहल पर सदर थाने में समझौता हुआ था। धन्यवाद। रांची एल्युमिनियम वर्कशॉप, स्टील ड्रॉलिंग, स्लाइडिंग खिड़की पार्टीशन, स्टील फर्नीचर, डोमाल स्लाइडिंग एंड फ्रीजर काउंटर, रिवॉल्विंग चेयर इत्यादि एल्युमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा, झारखंड। नामांकन प्रारंभ, सीट सीमित है। सोनभद्र आदर्श इंटर कॉलेज कांडी गढ़वा में 11वीं कक्षा सत्र 2021-23 में कला विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में नामांकन है। देर ना करें, यथाशीघ्र नामांकन कराएं। सीट सीमित है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 9934831177। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरि ओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड, रेहला, पलामू। विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर, भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुभी है जहाँ, पानी है वहाँ। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।